Hello students, today in this video we are going to learn about subject verb agreement. Subject verb ki baat karte hain to pehle hum ye samajh lein ki in a particular sentence subject kise bolte hain, right? Chhota sa sentence lete hain hum. Ram teaches English. In this sentence, what is subject? Subject is Ram, right? Why Ram is subject? Because subject वो होता है in a particular sentence जिसके बारे में बात हो रही होती है, या आप कह सकते हैं जो doer होता है या जिसका verb होता है, जो action perform कर रहा है, right? वो subject होता है. यहाँ पर Ram English पढ़ाता है, तो यहाँ पर subject हमारा क्या होगा? Ram. राइट, वर्ब क्या होगा? टीचर्स. और क्या पढ़ाता है? इंग्लिश. तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. क्लियर है? राइट. अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखती हूं, ही टीचर्स इंग्लिश. राइट, हियर ही इज व्हाट? सब्जेक्ट. टीचर्स इज वर्ब. इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट. राइट, नॉट एन इशू. अच्छा, अगर मैं लिखती हूं दे टीचर्स इंग्लिश, वो लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं. राइट, हियर दे इज सब्जेक्ट, टीचर्स इज वर्ब, इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट. बट इज दिस सेंटेंस करेक्ट? नो. व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? वर्ब. वर्ब गलत है यहाँ पर. क्यों गलत है वर्ब? इसलिए गलत है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बट ये जो वर्ब हमने यूज किया है ये सिंगुलर है. बट हमें कैसे पता चला कि ये वर्ब सिंगुलर है? एक सिंपल सा फंडा है कि जब भी हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो उससे जो वर्ब बनता है वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है, अदरवाइज इट्स अ प्लूरल वर्ब. जैसे हमने टीचर्स का एग्जाम्पल लिया है, टीच इज अ प्लूरल वर्ब. जब मैंने इसमें ई एस एड कर दिया इट बिकम्स टीचर्स. Right now it has become a singular verb. Another example, work. Work mein jab maine as add kara it becomes works. Right, work jo hai plural hai but works singular hai. So whenever we are writing as or es in the verb it becomes a singular verb, otherwise it's a plural verb. So here teachers is a singular verb, right? But here subject is plural. इसके ऊपर वाले सेंटेंस में देखें हम तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, ही एक सिंगल पर्सन की बात हो रही थी, तो उसके साथ जो वर्ब हमने डाला था वो भी सिंगुलर डाला था. फेयर इनफ, इट्स राइट. राइट, बट हियर दे हमने यूज किया है विच इज प्लूरल. राइट, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब नहीं ले सकते हैं, हमें ये ई एस हटाना होगा. इट शुड बी टीच. राइट, इट शुड नॉट बी सिंगुलर वर्ब, इट शुड बी प्लूरल वर्ब. Right, and that's what is the principle of subject verb agreement. Matlab subject verb agreement ye bolta hai ki there has to be an agreement between the subject and its verb. Right, the verb has to be according to the subject in a particular sentence. Agar subject singular hai तो उसका जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा. राइट, एंड दिस इज व्हाट इज आवर प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट इज सब्जेक्ट. जब हमें मिल चुका है सब्जेक्ट तो देन सी वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल. राइट, एंड देन चेक फॉर इट्स वर्ब वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नॉट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एरर आइडेंटिफिकेशन के. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमें आज इसी पर ही बात करनी है. राइट, ठीक है, तो ये हमने बात करी बेसिक प्रिंसिपल की. अब सब्जेक्ट वर्ब जो होता है ये इसके कुछ रूल्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें ये अप्लाई होता है. ठीक है, तो हम वो कुछ रूल्स यहाँ पर देखेंगे. राइट,
rule number one. Okay, let's see through an example, right? Ram and Sham is, yeah, fir R aayega, playing cricket. What do you think? What should come? R. Why R? Because yahan par ek ye subject hai aur ek ye subject hai jo ki connected hai AND se. Okay, jab bhi do subjects AND se join hote hain to ye plural subject kehlate hain. And jab plural subject hai to hamara verb bhi jo hai wo plural aayega. Right? To rule kya bolta hai ki whenever two nouns or pronouns are joined by AND, right, then they are followed by a plural verb. Clear hai sabhi ko? But isme ek exception hai. Now what is that exception? Example se samajhte hain. Let's say maine bola bread and butter dash my favorite breakfast. Right? Now tell me, is aayega ki aar aayega? Aap bolenge is aayega, ma'am, bread and butter to ek saath hi bola jata hai. Right? Ye bread aur butter jo hai, ye although end se join ho raha hai, but then also ye ek single subject, singular subject hai. Why is it so singular subject hai ye? Because bread और butter जब combined मुझे मिलते हैं ना तो वो मेरे favorite होते हैं. That means bread और butter क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को compliment कर रहे हैं. Compliment कर रहे हैं मतलब complete कर रहे हैं, support कर रहे हैं, right? तो इस case में क्या होगा, ये singular subject की तरह consider होगा. Another example, slow and steady win आएगा या wins आएगा? Wins आएगा. Why? Because ये एक singular subject है. जब आप slowly चलते हैं और steadily चलते हैं तब आप race जीतते हैं. तो ये चीज ऐसी है जो एक दूसरे को compliment कर रही है. जब ऐसी चीज होती है जो दो subjects एक दूसरे को compliment कर रहे होते हैं, support कर रहे होते हैं, तो then they are considered to be a singular subject. Singular subject होगा तो उसके साथ जो verb आएगा वो भी singular आएगा. Is it clear? Right? तो जब भी ऐसे कोई भी हम दो noun को add करते हैं with AND, right, but they are talked, often spoken together, or they are complementing each other, or they are considered to be the single entity, then those are singular subjects and they are followed by a singular verb, right? Is exception mein ek aur hum example lete hain. Now tell me whether there will be has or have. यहाँ पर कितने लोग agree कर रहे हैं? दो लोग हैं या एक है? Chief engineer, manager, ये दो person हैं कि एक person है? Let me tell you, ये one person है और यहाँ पर has आएगा. Now पता कैसे चला कि ये single person है? Right? ये कैसे पता चला कि ये एक ही person है इस factory का जो chief engineer भी है और manager भी है? ये कैसे पता चलता है with the placement of this article? यहाँ पर आर्टिकल लगा है तो दैट मीन्स ये एक ही पर्सन है, द चीफ इंजीनियर एंड मैनेजर. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ हैज लिया है. जस्ट इन केस यहाँ पर भी द होता, राइट, यहाँ पर भी द होता तो ये क्या होता, द चीफ इंजीनियर एंड द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री. देन इन दैट केस यहाँ पर हैज नहीं आता, यहाँ पर हैव आता, क्योंकि यहाँ दो पर्सन है, चीफ इंजीनियर है फर्स्ट पर्सन, अनदर पर्सन इज मैनेजर, राइट. सो अगर placement of article एक ही side है, ठीक है, एक ही तरफ है, तो then it is considered to be a single person. और अगर दोनों जगह दिया है तो ये दो different entities है, right? तो placement of article से भी हम decide कर सकते हैं कि ये singular person है या फिर more than one person है. Okay? Shall we move ahead?
Now, the rule number two. Ram along with his friends playing cricket. Now, is aayega ya aa raha? Here in this case, it should come is. Why? Because here subject is Ram. Ram apne doston ke saath khel raha hai, right? So, yahan par jo doer hai, jiska verb hai, wo kaun hai? Ram hai. Right? Not Ram along with his friends. Getting my point? Jab bhi aisa case hota hai, jisme along with, ya fir together with, या as well as या फिर with in addition to besides ये use होते हैं तो इस place पे जो subject होता है that is considered to be the primary subject main subject and verb will be according to the subject only right for example Mahi as well as Shruti was available in the office. Right? Mahi saath hi Shruti bhi available thi office mein. Toh yahaan par jo subject hai humara wo kaun hai? Mahi. Theek hai, which is singular. So accordingly our verb would be singular. कहने को तो ये है कि माही साथी श्रुति भी available थी, not थे, in the office, right? तो it should be was singular verb. Why? Because here the subject is singular. So whenever we are joining two subjects or two entities with along with, together with, as well as with, in addition to, besides, then here the first subject is considered to be the primary subject and verb has to be according to that only. Right? Shall we move ahead? Okay. Next, rule number three. Now, what it is saying, neither the teacher nor the students responsible for this, right? Now, here in this sentence, what should be? Is or are? हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर इस करेंगे या और करेंगे देखिए नीदर नॉर इधर और का क्या फंडा होता है नीदर नॉर इधर और का ये फंडा होता है कि ये राइट तो ना कि टीचर और ना ही स्टूडेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए राइट तो अब मैं यहाँ क्या यूज़ करूँ राइट व्हाट आई विल यूज़ आर व्हाई बिकॉज व्हाट रूल सेज इज द In case of neither nor either or, the verb would be according to the subject closest to it. Here, there are two subjects, subject number one and subject number two, right? So, what I'm saying is, ki verb would be according to the subject closest to it. Here, verb ke closest this ye subject hai, and this subject is plural, so our verb would also be plural. Am I clear? Right? Another example. Either she or I either she or I am getting the best students award right now what would come again the subject is I which is closest to the verb. So verb would be according to I. I, am aega, not I, is hota hai, right? So here what will come? Am. Either she or I am getting the best students award. Getting my point? Now,
Here in either or neither nor there is another rule is here whenever we are showing two entities, ठीक है, और ये दोनों entities अगर different in numbers है, different है, मतलब यहाँ पर ये singular है और ये plural entity है, right? तो हमेशा पहले singular entity लिखिए और फिर plural लिखिए. मैंने आपको क्या बोला कि जैसे हम ये या तो ये बोल रहे हैं, ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट एंटिटी है वो सिंगुलर है, राइट, और सेकेंड एंटिटी प्लूरल है, तो हमेशा जब हम नीदर नॉर या इधर और यूज़ करेंगे तो इन दैट स्टेटमेंट हम जो फर्स्ट एंटिटी पुट करेंगे वो हमेशा सिंगुलर पुट करेंगे और जो सेकेंड एंटिटी पुट करेंगे वो प्लूरल पुट करेंगे, राइट. अगर दोनों सिंगुलर है लाइक दिस वन, ठीक है, तो देर इज़ नो इशू. अगर दोनों प्लूरल है देन देर इज़ नो इशू, बट देर इज़ अ डिफरेंस इन नंबर्स, एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, तो मैं पहले सिंगुलर लिखूंगी फिर प्लूरल लिखूंगी. दैट मीन्स आई कैन नॉट राइट नीदर द स्टूडेंट्स नॉर टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट. अगर मैं ऐसा लिखती हूँ तो दैट वुड बी द रॉन्ग थिंग बिकॉज स्टूडेंट्स प्लूरल है, आई कैन नॉट पुट प्लूरल फर्स्ट एंड देन सिंगुलर. सो फर्स्ट सिंगुलर आएगा और उसके बाद प्लूरल आएगा. क्लियर है मैं क्या कह रही हूँ? ओके, लेट्स मूव अहेड. Next rule, rule number 4. Now, what does it say? Each of the boys dash allowed to go out. Now, what should come? S or R? हर एक लड़का अलाउड है बाहर जाने के लिए. हेयर इज शुड कम, ये जितने भी ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये क्या करते हैं, ये एक एक को पॉइंट आउट करते हैं. जब ये एक एक को पॉइंट आउट करते हैं, राइट, तो इन दिस केस ये हमेशा फॉलो होते हैं सिंगुलर वर्ब से, right? So pronouns like each, every, everyone, either, neither, these pronouns are always followed by a singular verb, right? Like neither of them was available to speak. Neither of them, उनमें से कोई एक भी नहीं available था बात करने के लिए. तो यहाँ पर आएगा was, not were. Getting my point? Okay. Moving on to the next rule. Rule number 5. Now, क्या आएगा इन दोनों सेंटेंस में, यहाँ इज आएगा या आर आएगा या हैज आएगा या हैव आएगा? पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट की. व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? ज्यूरी. ज्यूरी क्या है? ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है. ज्यूरी मतलब होता है पैनल ऑफ जजेस जहाँ पर मोर देन वन जज होते हैं, ठीक है. जब लेट्स से मेरी एक ज्यूरी है 5 जजेस की, ठीक है. अब पहले सेंटेंस में मैं बोलना चाह रही हूँ कि वो डिवाइडेड है ओपिनियंस में. डिवाइडेड ओपिनियंस में मतलब दो जज बोल रहे हैं नहीं ये होना चाहिए, दो जज बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए और एक जज बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यहाँ पर आएगा आर. वाई आर? बिकॉज ये जो ज्यूरी है ना ये कलेक्टिवली काम ही नहीं कर रही सिंगल एंटिटी की तरह, ये डिवाइड होके काम कर रही है. डिवाइड होके काम कर रही है तो यहाँ पर ये जो ज्यूरी है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी प्लूरल, राइट. इन द सेकेंड केस, सेकेंड केस जो मेरी 5 जजेस का जो ज्यूरी है ना इसने मिलकर यूनानिमसली एक डिसीजन लिया है, राइट, टेकन द डिसीजन, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो ज्यूरी है ये कंसिडर होगी एज अ सिंगुलर एंटिटी और यहाँ पर आएगा हैज. जब भी कोई कलेक्टिव नाउन, राइट, अगर सिंगल बॉडी एक सिंगल एंटिटी होकर एकजुट होकर यूनानिमसली एक मत के साथ काम करता है या कुछ होता है उसमें,
राइट, तो वो एक सिंगुलर एंटिटी कंसिडर किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा. बट जब कलेक्टिव नाउन डिवाइड होकर काम करता है, एक सिंगल एंटिटी की तरह काम नहीं करता है, तो तब उसे प्लूरल कंसिडर किया जाता है और उसके साथ जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है. क्लियर है आप सभी को? ओके, नाउ अनदर रूल, रूल नंबर 6. रूल नंबर 6 क्या बोलता है? रूल नंबर 6 ये बोलता है, जब भी हम अ नंबर ऑफ समथिंग यूज करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब आता है वो प्लूरल वर्ब आता है, राइट. और जब भी हम द नंबर ऑफ यूज करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब आता है, राइट. राइट, जैसे कि अ नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो एवरी ईयर, राइट. यहां मैंने ग्रो लिया है विच इज अ प्लूरल वर्ब, राइट. और अगर इसकी जगह होता द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीज इन दिस इंस्टीट्यूट, तो हियर द नंबर ऑफ है, तो यहां पर मैंने क्या लिया है, सिंगुलर वर्ब लिया है. क्लियर है? तो जब भी हम अ नंबर ऑफ समथिंग बोलते हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, और जब भी हम द नंबर ऑफ समथिंग बोलते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, राइट. सो दीज वर फ्यू बेसिक रूल्स ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिन पर जनरली क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. मेक प्रॉपर नोट्स एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दीज थिंग्स. ओके, थैंक यू.